अमेरिकी माशी और सियासी सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें और रूस यूक्रेन तनाज़े समेत दीगर आलमी चैलेंजेस के पाकिस्तान पर असरात। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद मिलेंगे, आज शाम अहम खिताब करेंगे। अब इंशाल्लाह ताला कमर कसनी है, इमरान न्याजी को जाना होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। हमने कमर कस ली, इमरान खान को जाना होगा, नवाज शरीफ को आना होगा। हमजा शहबाज का ऐलान जंग, कहा हम 5.8% ग्रोथ रेट छोड़ कर गए, 1300 अरब के मंसूबे लगाए थे, हुकूमत ने मईशत बर्बाद कर दी। आज बाद असेंबली में आदम एतमाद की नहीं है, कौम ने आदम एतमाद कर दिया है। आईनी तरीक़ेकार का ऐलान हो चुका, तहरीक आदम एतमाद आएगी, इमरान खान की हुकूमत को अब घर जाना होगा। वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद, कहा कुछ वज़रा घूम रहे हैं और लोगों को ढूंढ रहे हैं, मुझे तो सिंध में कोई एहतजाज नजर नहीं आया। हुकूमत गिराओ मिशन, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का बदीन में पड़ाव, जियाले आज हैदराबाद पहुंचेंगे, जगह जगह इस्तकबाली कैंप लग गए, बिलावल की ललकार, कहा तहरीक इंसाफ को घर भेज कर दम लेंगे। और तहरीक इंसाफ सिंध सरकार के खिलाफ बरसर पैकार, हुकूक मार्च के शुरका के जैकब आबाद में डेरे, आज आगे बढ़ने का ऐलान।